हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी टाइम के बाद साईं बाबा का संदेश। तो इस कार्ड्स के ज़रिए आज हम देखेंगे साईं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है आने वाले कुछ समय के लिए। आपका जीवन कैसा होगा उस हिसाब से क्या संदेश है, आपको क्या करना है जो आपका जीवन पॉजिटिव रहे। आप सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें जीवन में, हमेशा आपको तरक्की मिले, सफलता मिले, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं, इसी उद्देश्य के साथ आज हम ये कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो जो भी परेशानी आपकी है उसको एक बार ज़रूर अपने मन में, अपने ईश्वर से आप प्रार्थना की उसका क्या समाधान है हमें आप बताएं, हमें रास्ता दिखाएं। जीवन में हम बहुत परेशान हैं और जो भी दिक्कत है आप उसको प्रार्थना में कहिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी कार्ड को आप चुन लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जिस और भी आपका मन कह रहा हो कि आपको ये कार्ड चुनना चाहिए आप चुन सकते हैं। अगर आपका नंबर है, लकी नंबर के हिसाब से चुनना चाहते हैं तब भी आप चुन सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ मैं भी यहाँ रखती हूँ इस इन कार्ड के ऊपर, तो आपको अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे ये वाइट कलर का दिल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चुन सकते हैं। ये रेड कलर का दिल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। ये ग्रीन कलर का है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। और ये है येलो कलर का, आपको ये तो आप इसे चुन सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे चार कार्ड है, आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है चुन सकते हैं। आप आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, अपनी समस्याओं को ईश्वर से बताइए और उसका समाधान पूछिए। और जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उस कार्ड को चुन लीजिए। और अगर आपको चुनने में दिक्कत हो रही है तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब आप आंखें खोलते हैं जो भी कार्ड आपके सामने दिखाई देता है आपको सबसे पहले उस कार्ड को आपको चुन लेना है। ये कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4। आपकी क्या समस्या है इसे मन में एक बार आप अपने ईश्वर से ज़रूर कहिएगा कि आपकी ये समस्या है और इस समस्या से जुड़ा हुआ क्या रास्ता है। आपके ज़रिए जो भी आपको मैसेज मिलता है यहाँ से उसे अपने जीवन में उतारिएगा और देखिएगा कितना पॉजिटिव फील करेंगे और कितना अच्छा आपको सुकून फील होगा, मन को शांति मिलेगी। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं ये। तो स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 में हमें क्या पता चलता है। उससे पहले इन कार्ड को हम थोड़ा रख देते हैं इधर और आपके कार्ड पे देते हैं थोड़ा सा ध्यान। और ये है व्हाइट कलर का हार्ट, अगर आपने इसे चुना है, व्हाइट कलर काफ़ी खूबसूरत दिल है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी ये क्या है। 3 C कट क्लियर कैंडल। अपनी स्मृति परेशानियों को और चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है ये कार्ड, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हैं क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी समस्याएं क्या, आपकी समस्या मेन है। आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं दुविधा है किसी चीज को लेके, किसी रिलेशनशिप को भी लेके हो सकती है या फिर किसी करियर, फिर जॉब, कुछ भी। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आपके दिमाग में बहुत एक साथ चलती रहती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों का सबक बन जाती है। तो ये 3 C हैं, इन्हें जीवन में आप जल्द से जल्द उतार लें क्योंकि जब आप जितना जल्दी आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे उतना जल्दी आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को सबसे पहले अपनी परेशानियों को आप छांटें और देखें कि आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या सच में आप जितना परेशान हैं उस परेशानी से उतना परेशान, क्या ये परेशानियां इतनी बड़ी हैं। तो अपनी परेशानियों को आप क्लियर कर लीजिए पहले, उस हिसाब से फिर प्रार्थना करिए। और एक चीज़ और कार्ड है आपके लिए संतुलन का दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये और ये दोनों कार्ड्स मुझे लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कंफ्यूजन बहुत है, हर चीज़ को लेके है, आपकी परेशानियों को भी लेके है। तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, आप सोचते होंगे ये भी मुझे ये भी दिक्कत कर रहा है, वो भी दिक्कत कर रहा है, भी दिक्कत है, मतलब बहुत सारे। लेकिन आपको सच में ये नहीं पता होगा कि आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, आपके जीवन में जो दुख है उसका वो परेशानी कौन सी है कि वजह से आपको ज़्यादा परेशान है। तो उस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए पहले। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो भी दिखा कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे शान रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो अगर आप सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा करिए, ध्यान लगाइए, मन को शांत करने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती उन चीज़ों को करिए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेंगे कि आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं, कोई परेशानियाँ भी होती हैं जो सच में परेशानियाँ हैं ही नहीं, आपको लगता है कि वो परेशानियाँ हैं,
तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ को जरूर करिएगा, कट क्लियर कैंसिल चीज़ों को सारा छांटिएगा और देखिएगा कि सच में आपकी परेशानियाँ क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, क्या आप इतना परेशान हैं, वो परेशानियाँ क्या सच में इतनी बड़ी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। जीवन संतुलन लाने की कोशिश करिए। संतुलन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को संतुलित कीजिए। और अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी तनाव में चले जाते हैं, बहुत चिंताएं आपको होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको करना। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो यही संदेश था आपके लिए, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था, ये व्हाइट कलर का दिल काफ़ी अच्छा संदेश है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों को वो इस तरीके से दिखा रहा है ये कार्ड, जैसे आप थोड़े से कहते हैं ना कि मानसिक तौर पे थोड़ा परेशान हो गए हैं, ऐसे दिमागी तौर पे, मतलब जैसे कि दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं आपकी, तो मन को शांत नहीं है आपका। तो मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। चिंताएं बहुत जल्दी आपको हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं आजकल आप, कभी कभी आपको डिप्रेशन सा भी फील होता होगा। तो आपके कार्ड के हिसाब से ऐसा है। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ मैच हो, लेकिन अगर आपको भी लग रहा है कि सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप थोड़े डिप्रेशन टाइप का फील करते हैं, तो इन कार्ड्स को ज़रूर अपने जीवन में उतारिएगा। ये पहले अपनी परेशानियों को आप क्लियर करिएगा कि सच में आपकी परेशानियाँ क्या हैं और आप सच में क्यों, मतलब जो मेन प्रॉब्लम है जिससे आपको सच में परेशानियाँ हो रही हैं उसे, और ये प्राणायाम और सांसों का अभ्यास मन को शांत करने के लिए ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का हार्ट चूज किया है, आइए देख लेते हैं आपकी परेशानी। काफ़ी अच्छा कार्ड है ये, धुनी। डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां भी धुनी में जला दें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ आपको ईश्वर को सौंप देना है। जो भी परेशानियाँ हैं, जितना भी गुस्सा, ईर्ष्या, जो कुछ भी है आपके मन में जिसलिए आप बहुत परेशान रहते हैं, मन को शांत करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। आप उनसे कहिए कि मैंने अपना सब कुछ, मैं जितने भी दुख दर्द, जितनी भी चिंताएं मैंने आपको सौंप दी हैं और आप जो करना है आप करिए। उसका एक संदेश आपके लिए, हमें परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चय प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ज़रूर है आपके जीवन में जो आप चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको मिल नहीं रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उस समय का इंतज़ार करिए, अभी वो समय नहीं आया है। आप परेशान ज़रूर हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन वो अभी समय नहीं है। तो समय के हिसाब से हर चीज़ मिलती है, उस समय का इंतज़ार, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है, जो आपके भाग्य में है, जो आपके हक का है, वो कभी किसी और का नहीं हो सकता है, वो आपको मिलेगा। बस उसका एक सही समय होगा, उस समय पे वो आपको मिलेगी। उसे पहले पाने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो समय हो सकता है कि आप परेशान हैं कि वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिल रही है, ज़रूर ऐसा कुछ है आप जिसे आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा, या फिर आपकी ऐसी कोई चीज़ जिसकी आप बहुत पीछे की है, वो नौकरी भी हो सकती है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकती है, जो भी प्रार्थना की होगी ये उससे जुड़ी हुई चीज़ है, उसका इंतज़ार करिए। वो आपका है, बस सही समय का पे ही वो आपको मिलेगा, समय से पहले आपको नहीं। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं उस चीज़ को लेकर, आपके अंदर एक डर है, गुस्सा, ईर्ष्या, जल, जो कुछ भी है आपके जीवन में, आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे आपको बाबा की धुनी में जला देना है, हटा देना है अपने दिमाग से, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अपनी सोच में उन चीज़ों को आपको जगह ही नहीं देनी है। आपके अंदर जो भी गुस्सा, डर, ईर्ष्या, जो कुछ भी है उसको अपनी सोच में जगह मत दीजिए, अपने जीवन में उसे जगह मत दीजिए। अब सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, एक सही समय पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपका है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये था कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का हार्ट चूज किया था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ मैच हो, लेकिन अगर बातें ही मैच हुई हैं आपसे तो ये आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का हरे रंग का दिल चुना है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। जीवन की पुस्तक,
जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं। तो जीवन एक पुस्तक की भांति है, जरूरी नहीं है कि हर एक पन्ने में अच्छी चीजें लिखी रहें। कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती हैं, आपकी पसंद की नहीं होती हैं, बुरे अध्याय होते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जीवन एक पुस्तक है, उसका एक पन्ना बुरा हो सकता है, हर एक पन्ना बुरा नहीं हो सकता है। तो जीवन को एक पुस्तक की तरह रखिए। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात अच्छे अध्याय आना, मतलब वही है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जीवन में, अभी आप ऐसा कुछ समय चल रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आने वाला वक्त आपका काफ़ी अच्छा है। तो सुख दुख ये सब आता जाता रहता है, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक के बाद एक आपको हर चीज़ मिलती है। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। तो बाबा के द्वारा दी गई उदी की ताकत में काफ़ी ताकत होती है इसमें। ये वाला जो था, मतलब जो संदेश था, इसका उच्चारण हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उम्मीद करते हैं आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देंगे। आप खुद भी पढ़ सकते हैं अपना ये संदेश और समझ सकते हैं कितनी ताकत होती है बाबा की दी गई उदी में। तो अपने आपके लिए जो ये संदेश है, उसका एक मुझे पता चल रहा है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो काफ़ी टाइम से हो रही हैं और आप काफ़ी परेशान हैं उस चीज़ को लेके। तो आपके लिए एक छोटा सा यही मेरे तरफ से एडवाइस रहेगा कि आप थोड़ा सा बाबा की भक्ति करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन बाबा की पूजा करिए, और थोड़ा सा घर में बृहस्पतिवार वाले दिन कहते हैं ना कि पूजा की जाती है जैसे साईं बाबा की, उस तरीके से करिए। और आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि बृहस्पतिवार की पूजा जो साईं बाबा का व्रत रखते हैं लोग, उनकी कथा, उनकी आरती, सब कुछ जैसा होता है करते हैं। तो आप सर्च करके देखिए, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम से आपके जीवन में समस्या चली आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब ख़त्म होंगी, तो एक बार आप बाबा के प्रार्थना, पूजा, अर्चना, जो भी बृहस्पतिवार वाले दिन होती है यानी गुरुवार वाले दिन, आप उसे ज़रूर करिए। देखिएगा जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, आपका मन भी शांत रहेगा और जीवन में एक उम्मीद बनेगी आपको। अगर काफ़ी टाइम समस्या चली आ रही है, उसका आपको समझ में नहीं आ रहा कब अंत होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जीवन एक पुस्तक की तरह है, हर एक पन्ना अच्छा नहीं हो सकता है। कभी कभार कुछ पन्ने हो सकता है का पन्ना हो वो काफ़ी लंबा, कहते हैं ना कि ये अध्याय काफ़ी लंबा चला, तो हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका ख़त्म वो होना ही होना है। तो सुख दुख का भी यही नाता है, आज सुख है तो कल दुख तो ज़रूर आएगा और दुख है तो सुख तो आना ही आना है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये संदेश अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं कार्ड नंबर 4। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, येलो कलर का दिल है, काफी खूबसूरत सा दिल है। तीन मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है, जैसा आप अपना वर्तमान बना रहे हैं वैसा ही आपका भविष्य के हिसाब से आगे जाएगा, ये सबको पता है। तो जीवन में इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए ऐसा हो सकता है आपके साथ, आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, आप बातें भी सब अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी आलोचना करते होंगे, कहते होंगे तुम तो ऐसा, तुमने तो ऐसा बोल, तुम्हारी सोच ऐसी है यार, ऐसा नहीं होता है, इतना भी अपन अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें लोग आपको हो सकता है कहते होंगे, उसी वजह से ये संदेश है। आप धीरज रखिए, एक ना एक दिन आपको इसका फल मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग देख के जलते हैं, कुछ लोग जलते क्या आपको ताना देते होंगे, हो सकता है कहते होंगे हाँ ये सब किताबी बातें होती हैं ऐसा, तो इतना अच्छापन भी अच्छा नहीं। तो हो सकता है आप ऐसी चीज़ें करते होंगे जो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं क्या करता है, पागल है पागल है। तो ऐसी सोच अगर आपकी है तो देखिए आपको निराश नहीं होना, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन आप अपना अच्छा कार्य करते रहिए, एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छी सोच आपको रखनी है, हमेशा अच्छे से बात करनी है सबसे, बहुत कम लोग करते हैं आज के ज़माने में। तो दूसरा कार्ड आपके लिए है करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो पशु पक्षी के प्रति दया भाव आपको रखना है,
आप रखते भी होंगे, और ज़्यादा रखिए और लोगों को सलाह दीजिए और कहिए लोगों से कि वो पशु पक्षियों की रक्षा करें, उन्हें अन्न दें, खाना दें, पानी दें। इससे आपके जीवन में कहते हैं ना पुण्य बढ़ता जाता है, जितना आप पुण्य करेंगे उसका सबका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ये विश्वास के साथ हर काम करिएगा, देखिए ज़रूर एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपने जीवन में अच्छे कर्मों को जोड़ सकते हैं, जिसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। उम्मीद कर ट्रेडिंग अच्छी लगी होगी और अपने संदेश आपको तो हमेशा की तरह पसंद भी आए होंगे। अगर कुछ समझ में ना कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या अपने संदेश को आप अपने शब्दों में पढ़ सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे उच्चारण में कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। इसीलिए मैं आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ ताकि आप अपने संदेश को अपने हिसाब से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।